सो है गाइस जो आप मैं अभी चैनल अपनी वीडियो गाइस आज के इस वीडियो पे मैं आपके साथ ऐसा 5 टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करने वाला हूँ जिसको यूज करके आप 2021 में आपका इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स इंक्रीज कर सकते हो। सो वीडियो बहुत ही नॉलेजफुल एंड इंटरेस्टिंग होने वाला है, आप इस वीडियो को ध्यान से एंड तक देखते रहो। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आएगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं गाइस। सबसे पहले जो ट्रिक है वो यही है, क्रिएट योर ओन ब्रांड। सपोज आप फेसबुक पे अकाउंट क्रिएट करते हो या फिर आप ट्विटर पे अकाउंट क्रिएट करते हो, हमेशा हर जगह नाम सेम ही रखिए। इससे आपका नाम को एक ब्रांड वैल्यू मिलेगा। जैसे कि आप लोग बड़े बड़े क्रिएटर्स को फॉलो करते होंगे लाइक कैरी मिनाटी, टेक्निकल गुरुजी, वो लोग हर एक प्लेटफॉर्म पे नाम सेम ही रखते हैं, इसलिए लोग उनको पहचानते हैं कि हाँ कैरी मिनाटी एक ब्रांड है या फिर टेक्निकल गुरुजी एक ब्रांड है। तो आपका नाम पे आप लोग एक ब्रांड बनाइए, ठीक है। ये हो गया पहला ट्रिक। अगर आपका नाम पे ब्रांड बनता है तो आप लोग का फॉलोअर यहाँ पे थोड़ा सा भी हो तो इंक्रीज होगा इंस्टाग्राम पे। एंड सेकंड जो ट्रिक है वो यही है, क्रॉस प्रमोट योर हैशटैग। सपोज आपका हैशटैग है टेक्निकल गुरुजी, आप लोग उस हैशटैग को क्रॉस प्रमोट कीजिए। मतलब सपोज आपका यूट्यूब चैनल पे 10 सब्सक्राइबर है तो आप लोग अपना सब्सक्राइबर्स को बोल सकते हो कि अगर आपका कोई मैसेज करना है मुझे तो आप लोग मेरा हैशटैग यूज़ करके इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हो। इससे आपका थोड़ा सा भी हो तो फॉलोअर्स बढ़ेगा। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, जब आपका हैशटैग पे लोग वीडियोस बनाएंगे या फिर मैसेज करेंगे या फिर फोटो पोस्ट करेंगे तो ऑब्वियसली आपका हैशटैग को बूस्ट मिलेगा। अगर आपका हैशटैग को बूस्ट मिलता है तो आपका फॉलोअर्स भी इंक्रीज होगा। हैशटैग का बूस्ट मतलब आपका अकाउंट को भी बूस्ट मिलता है तो आपका फॉलोअर्स कुछ ना कुछ तो इंक्रीज होगा ही। एंड थर्ड जो ट्रिक है वो यही है, आप कोई भी मूड पे क्यों ना हो उस मूड को आप लोग शेयर कीजिए इंस्टाग्राम पे। इसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ। सपोज आज आप बहुत ज़्यादा खुश हो तो आप लोग इंस्टाग्राम पे सेंड कीजिए आई एम वेरी हैप्पी या फिर स्टोरी लगाइए। इससे क्या होगा कि लोग सोचेंगे कि अरे बंदा आज इतना खुश क्यों है, लोग आपको पूछेंगे, मैसेज करेंगे। अगर आपका अकाउंट पे ज़्यादा लाइक्स या फिर मैसेज आता है तो आपको पता ही होगा कि आपका अकाउंट को और भी ज़्यादा बूस्ट मिलता है, तो इससे आपका और भी ज़्यादा फॉलोअर्स इंक्रीज होगा। फोर्थ जो ट्रिक है वो यही है कि मैं बहुत सारे लोग को देख रहा हूँ जो लोग मतलब गलत हैशटैग यूज़ करते हैं, फोटो बनाते हैं फैमिली फोटो का हैशटैग यूज़ करते हैं मैरिज एनिवर्सरी का, तो ये चीज़ आपको नहीं करना है। हमेशा राइट हैशटैग यूज़ कीजिए, जैसे कि आप लोग कॉमन हैशटैग यूज़ कर सकते हो हर फोटो के लिए लाइक फोटो ऑफ बर्थडे या फिर इंस्टाग्राम या फिर इंस्टाग्रामर्स, यही सारा कुछ आप लोग यूज़ कर सकते हो। मैं जो जो हैशटैग यूज़ करता हूँ वही सारा कुछ मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगा, तो आप लोग सिंपली से कॉपी पेस्ट कर लेना। गाइस फिफ्थ जो ट्रिक है वो यही है, यूज़ इवेंट रिलेटेड हैशटैग। इसका मतलब आपको मैं समझाता हूँ। देखो सपोज अभी वर्ल्ड कप चल रहा है तो आप लोग अपना ओपिनियन दे सकते हो कि कौन सा टीम जीतेगा या फिर कौन सा टीम हारेगा, तो आप लोग खुद का कुछ ओपिनियन शेयर कर सकते हो हैशटैग को यूज़ करके। इससे अपना इंस्टाग्राम अकाउंट को और भी ज़्यादा बूस्ट मिलेगा। एंड जैसे कि आपको पता है कि बीच में टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब चल रहा था, आप लोग हैशटैग यूज़ करके भी कुछ ओपिनियन दे सकते हो। इसको बोलते हैं इवेंट हैशटैग, तो आप लोग इवेंट हैशटैग भी यूज़ कीजिए अपना अकाउंट पे। इससे आपका अकाउंट को बूस्ट तो मिलेगा ही बस। एंड ये था 5 ट्रिक्स एंड टिप्स जिसको आप लोग यूज़ कर सकते हो अपना इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स इंक्रीज करने के लिए। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है वीडियो को लाइक करना है, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं और वीडियो पे, तब तक ले जाए हिंद वंदे मातरम, बाय, टेक केयर।